अगर ये आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी। लेकिन इस दुनिया में जब तक ये जिंदा है, मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला सुल्तान बन के ही जिएगा। उसके मरने पर भी उसकी अर्थी बनाने का काम भी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी समाधि तक खुद के पैरों के निशान होंगे। उस दिन दो घटनाएं घटी, वो जगह भी खत्म हो गई। एक दिन KGF के लोग इतने दीवाने क्यों हैं? बिकॉज इसमें लॉजिक लॉजिक है। अगर आप गौर से इस फिल्म को देखिएगा, ऑब्जर्व करके तो आपको हमेशा इसमें लॉजिक समझ में आएगा कि एक जो बात है उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब आपको उससे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने से आप इसे कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है। तो ये मूवी अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, चल इसलिए रहा है कि इस मूवी में लॉजिक है। लॉजिक का सबसे बड़ा कारण है इसमें जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो लॉजिक है। और सबसे बड़ा स्टार जो यश को माना जा रहा है और उसी के जरिए ये फिल्म बहुत टॉप हो गया। हालांकि आप RRR मूवी देखिएगा, उसमें भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट इसमें उससे ज़्यादा लॉजिक इसमें है। और यह जो मूवी है ये इतनी कॉन्सेप्चुअल है, इतनी लॉजिकल है कि आप हर एक बार इसे देखकर अपने आप में एक मोटिवेशन ले आएंगे, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद जो आपने क्लिप देखा है इससे पहले कि जब भी जिएगा, इसकी माँ बोलती है कि जब भी मेरा बेटा जिएगा तो सुल्तान बनकर ही जिएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी जिए तो किसी से डरिए मत। आप कुछ कर रहे हैं तो लोग चाहे कितना भी कुछ कहें आपको, आप उसकी नहीं सुनिए, आप अपने आप की सुनिए। आप अपने आप को सुनिएगा तो आप जो कर रहे हैं वह आप कर पाएंगे, और नहीं तो दूसरे को जब सुनिएगा तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब जब आप डिस्टर्ब हो जाइएगा तो वह चीज़ कर नहीं पाइएगा, आप उसमें 100% नहीं दे पाइएगा। 100% का मतलब है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ सारी फोकस उधर ही है मेरा। और फोकस इसलिए ज़्यादा होगा बिकॉज आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट इसलिए आएगा बिकॉज आपको वह ज़्यादा काम पसंद है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिएगा, और हमेशा जो भी कुछ करते हैं उसमें आपको एक ही चीज़ सोचना चाहिए कि जितना भी चीज़ें मैंने की है वो कम है फ़िलहाल के लिए। जब भी मैं कुछ करूँ तो कुछ बड़ा करूँ और बेसिक से स्टार्ट करूँ। तो इस मूवी में वही काम किया गया है। लॉजिक लाने का मेन कारण वही है कि इसमें बेसिक से काम किया गया है और हमेशा इसमें लॉजिक का ध्यान रखा गया है। फिर से देखिए, एक छोटी सी गांव में जी रही एक माँ की जिद की कहानी की तरह बताते हैं। उसे कैसे मरना था उसने खुद लिखा था, पर वो कैसे जिया था वो मैं लिखूंगा। पानी से आग पैदा होने का इतिहास नहीं है, लेकिन इस माँ के आंसुओं से